कोई कर दे यार प्लीज। नहीं मैं नहीं कर रहा यार। क्या चल रहा है भाई? ब्लॉग चल रहा है भाई। क्या करोगे आज? ब्लॉग जिम में क्या करोगे आज? जिम करेंगे। इनसे पूछना नहीं। मानवी क्या करेगी? मैं आज काफी लाइव ब्लॉगर करने वाली हूँ बिकॉज मेरी तबीयत खराब है। और ट्विंकल? मैं आज लेग्स करने वाली हूँ। मैं अपर बॉडी करूंगी, बाइसेप्स और चेस्ट कर लूंगी, शोल्डर्स कर लूंगी आज से। मैं स्क्वाट्स करता हूं। जल्दी चलो ऊपर। और आप करोगे वर्कआउट? ऊपर चलो बोलो तेरे। ये एनी टाइम फिटनेस आ चुके हम। सो जिम जाने से पहले मैं हमेशा लेता हूँ अपना फेवरेट एज इट इज का एटम वे प्रोटीन एंजाइम ब्लेंड, जो कि मेरा फेवरेट फ्लेवर है, रॉयल गुलाब जामुन। एंड ये एकदम, मतलब मैंने अभी नया नया ट्राई करा है फ्लेवर, एकदम बेस्ट लगा मुझे तो। एकदम जैसे स्वीट की क्रेविंग्स होती है ना आप सभी को, एंड होली भी आ रही है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मतलब एकदम बेस्ट है। आप होली पे शुगर ना लेते हुए इसे लेंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा, प्रोटीन का प्रोटीन एंड क्रेविंग की क्रेविंग भी दूर। तो इसमें आपको मिल जाता है 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक स्कूप में, एंड 12.2 ग्राम्स ऑफ ईडब्ल्यूए, 5.7 ग्राम्स ऑफ बीसीडब्ल्यूए एंड 4.5 ग्राम्स ऑफ एल-ग्लूटामाइन, जो कि एक बहुत ही पावर पैक्ड प्रोटीन है। एंड ये मेरे हमेशा प्रोटीन गोल को कंप्लीट रखता है। मेरी जॉब स्ट्रेंथ देखते हो इतनी बढ़ रही है, सब इसी का खेल है। एंड इसको मैं हमेशा वर्कआउट से पहले एक स्कूप एंड वर्कआउट के बाद एक स्कूप लेता हूँ। एंड ये नया अभी अभी आया, जस्ट तो अभी अभी खोल रहा है इसे, मैंने पिछली एक महीने से इसे यूज कर रहा हूँ, एकदम बेस्ट है। एंड अगर आपको भी ये बाय करना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके, मैंने लिंक डाली है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड आर्यन के एज इट इज यूज कर सकते हैं, आपको बहुत तगड़ा डिस्काउंट मिलेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आप मुझे मेंशन भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं रीशेयर करूंगा एंड गिव अवे भी करने वाला हूं मैं, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा मेंशन करेंगे लोग मुझे, मैं उतना बड़ा गिव अवे करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि मैं कम से कम 30-40 किलो वे प्रोटीन का गिव अवे तो करूं ही करूं। तो अगर आप चाहते हो मैं गिव अवे करूं तो आप मेंशन करें, जितना हो सके उतना बाय करें, मेरा कूपन कोड यूज करें। तो इसका एक स्कूप लेते हैं। एंड इसका डाइजेशन इतना तगड़ा है, मतलब सबसे बेस्ट डाइजेशन प्रोटीन है। मैंने मार्केट में और भी ब्रांड्स ट्राई करे हैं, किसी से पेट खराब हो जाता है, किसी की मिक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, इसका सब बेस्ट है। मिक्सिबल इतना ज्यादा है कि मतलब जैसे अभी डाला पानी शेक किया, मिक्स हो जाएगा जल्दी से। डाइजेस्ट अच्छा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इसमें। एंड आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्यूआर कोड होगा पर ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। इसमें नो एडिड शुगर है तो बेस्ट है एकदम। बाकी वे प्रोटीन मैंने देखे हैं मार्केट में, उनमें शुगर भी एडिड होती है भर भर के, पता नहीं क्या क्या। एंड मुझे बड़ा टेस्टी लगता है वाला फ्लेवर, आप ट्राई कर सकते हैं। रॉयल गुलाब जामुन आप भी इसे बाय कर सकते हैं, तो मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलना, आर्यन के एज इट इज, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल दी है। एंड ये डोप फ्री है, जीएमपी सर्टिफाइड है, हैवी मेटल टेस्टेड है, एंड इसके अंदर आपको एक स्कूप मिल जाता है जो कि बहुत बेस्ट बात है। तो इसका एक स्कूप लेते हैं अभी, वर्कआउट से पहले भी ले सकते हैं आप, एंड वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं, एकदम आपकी मसल्स के लिए बेस्ट है, स्ट्रेंथ के लिए बेस्ट है, रिकवरी के लिए बेस्ट है, तो सबसे बेस्ट प्रोटीन एवर है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। एकदम बहुत यमी है कसम से, गुलाब जामुन का ऐसा लग रहा है कि गुलाब जामुन का जो रस होता है वो है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। लिंक आपको पता है कहाँ पे है, सब कुछ बता दिया मैंने, इतना बेस्ट प्रोटीन कहीं नहीं मिलेगा, तो अभी जाके बाय करो। लव यू ऑल। तो चलते हैं जिम, लेट्स गो। कौन है ये लोग? ठीक है
सीरियसली तो गाइस फ्री ट्रायल लेते हैं यहाँ पे भाई, मेरे पास कार्ड है कार्ड और इस बार तो याद भी नहीं किया और क्या, तो आज हम मिल चुके हैं बहुत दिनों बाद, दीदी से मिले हैं आज, 5 दिन से मतलब कोशिश कर रहा था आने की, तो आज मिले हैं, आज वर्कआउट करेंगे आज। तो हमें यहाँ पे ट्रायल नहीं मिला कनॉट प्लेस पे, तो हम जा रहे हैं मानवी के जिम, ज्यादा भाव खा रहे हैं यहाँ पे गाइस। एनी टाइम फिटनेस सच में बहुत भाव का आता है, सीधे मना कर देना चाहिए, पर नहीं वो मना नहीं कर रहे, हमें बहुत अटका के रख रहे हैं। तो अभी हम करोल बाग वाला ट्राई कर रहे हैं, बहुत ही घटिया जिम है कनॉट प्लेस वाला, बहुत ही घटिया। हां कनॉट प्लेस वाला नहीं दे रहा है, देखते हैं करोल बाग में मिलता है नहीं, अब मिल जाएगा वहां चल, लेट्स गो। और मैं बहुत फटीग हो चुका हूँ, इतना पूरे दिन से घूम रहा हूँ धूप में, तो देखते हैं कैसी जाती है स्कॉट्स, तो लेट्स सी। तो हमें मिल चुकी है कनॉट प्लेस वाले में, लोगों से सब्सक्राइब कराने के मामले में, और हमें कनॉट प्लेस वाले में मिल गई है, बहुत मुश्किल की बात, आधा एक घंटा जान पहचान थी इसलिए हो गया, अदरवाइज रिव्यू वही वाला सेम है, करने नहीं दे रहे थे, बट वो तो इतनी देर बाद इतने संघर्ष के बाद फाइनली मिल गई। अब हम पियेंगे सीसीडी में कॉफी, फिर चलेंगे अपना वर्कआउट करने और करेंगे आर्म्स और शोल्डर्स। ये क्या बात है, रुको सेट होने दो यार, अब आओ, ये क्या है, ये तो खुली है, नहीं ये क्यों से लगा, क्या हो गया, पकड़ लेते हैं, जीत जाए चल ठीक है भाई। ये आइस ओके, ये मेरा है, मतलब की बनाओ ना वीडियो, वीडियो बनाओ ना, तो बना पलीद सो वार्म अप हो चुके हैं खत्म, एंड अब स्क्वाट से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्यों भाई वार्म अप हो गया, ठीक है कहाँ कोई भी है बे, low you can still go, even when you feel slow you can still go, even when there's no hope you can still go, I never answer to no man I still go, go 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 yo go 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 hustle hard hustle every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave, to the system I don't wanna be a slave, I've been doing shit my way, highway, and in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain, you'll never hear me bitch, nah, I don't complain, just gotta flip the switch and you can go and obtain, anything you want, anything you need, your mind's got the key ingredient, it's belief, they deceive with the negativity, but I just slide right by that energy, even when you feel low, you can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go, I never answer to no, man, I still go, 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 बनाते हैं 220 पे ले जाते हैं, देखते कैसा आता है।
टाइम मैंने अपनी स्पाइन तोड़ दी है, बट देखते कैसे रहता है। अभी मैं स्टोरी बताऊंगा कि कैसे तोड़ी वो स्पाइन, बहुत गंदा दर्द हो रहा, टूटी है मतलब शायद ऐसा दर्द आ रहा गंदा, तो देखते हैं। तो अब बताता हूँ क्या सीन हुआ। अच्छी खासी स्क्वाट चल रही थी मेरी, तो आपने देखा 243 बिल्कुल पूरा सेल्फ था, पूरा सेल्फ। उसने जो हाथ लगाया मुझे उस डर से लगा कि मेरा वेट थोड़ा डिसबैलेंस हो, उसने टच नहीं किया, साइड से हाथ रखा था, तो मुझे लगा यार ये सपोर्ट दे रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि सपोर्ट दे मुझे, क्योंकि सेल्फ आ रहा था बहुत अच्छा ग्राइंड आ रहा था। तो जो सपोर्ट लगा मुझे देते टाइम, तो उसमें मेरी बैक से टक्का हो जाएगी बहुत गंदी स्पाइन से। तो अब उसका पूरा जिम्मेदार सन्नी है, सन्नी नहीं होता तो मेरी बैक ठीक रहती। भाई तूने सपोर्ट दिया, मेरी बैक से टक्का हो जाएगी, बताओ उसे। अच्छा डक, ये बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से स्क्वाट नहीं लग रही बिल्कुल भी। हाँ ऐसा लग रहा है स्पाइन खिसक गई मेरी। तो सपोर्ट तो दिया था ना मैंने? नहीं सपोर्ट नहीं दिया, टच नहीं किया था, मुझे लगा टच कर दिया तो मैंने ऐसे हल्का छोड़ दिया, और पूरा ऊपर आ रहा था। मैं पता ग्राइंड मेरा स्क्वाट ऐसे ही आता है, मेरा मेन रब था, वो मेरा ऐसे अटक जाता है फिर धीरे धीरे ऊपर आता है कांप के, और इसने ऐसा हल्का सा आता है, मैं डर गया कि क्या सपोर्ट ना दे दिया मेरी, मेरी स्पाइन ऐसे हुई, देखा टक्का हो जाए, बहुत दर्द हो रहा है। अब मेरे को कल फिजियो पे जाना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं होगा भाई यार, तगड़े बंदे यार, तगड़े बंदे की दुकान है। यहाँ मेरी बैग की खड़ गई, हो जाएगा भाई, देखते हैं। सन्नी आया कुछ कांड करके गया, क्या बोल रहे हैं पहले आर्म रेसलिंग वीडियो का बदला लिया मैंने। नेक्स्ट देखो भाई, हो गया वर्कआउट? हाँ भाई, मज़ा आया भाई, कमर उमर आज हमने साथ में नहीं किया बट कमर तोड़ दी भाई ने, बोल रहा मेरे साथ वर्कआउट नहीं किया कमर टूटते ही। देखते हैं, वेज रोल, चॉकलेट रोल, चिकन नूडल्स, एनीथिंग एल्स मैम? पान लेकर आओ। थैंक सो मच मैम। सो मैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि मेरी बैक का क्या हाल हुआ है, तब तक के लिए मैं हॉट वाटर थेरेपी कर रहा हूँ, ये अमेज़ॉन से पार्सल आया था, तो इसे खोलते हैं इसके अंदर क्या है, चेक करते हैं। एंड इसके अंदर निकला है एप्पल साइडर विनेगर, ट्राईपॉड एंड हॉट वाटर बैग, एंड मेरे नए शूज़ जो कि आप देख सकते हैं कितने कमाल एंड क्लासी लग रहे हैं। मेरे स्नीकर्स, आई लव स्नीकर्स, ये वाले तो मुझे बहुत पसंद आए लुक से, तो अब तो ये मेरे फेवरेट हैं। तो अक्कू का कंपटीशन भी था जिसमें उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया एंड गोल्ड मेडल लाया, उसकी 100 kg स्क्वाट, 117 kg की डेड एंड 60 kg की बेंच, बिना किसी प्रोग्रामिंग, बिना किसी कोचिंग के। आई एम सो प्राउड ऑफ हर, मेरी तरह ये बिल्कुल किसी की ज़रूरत नहीं, अकेले ही काफ़ी है। तो या आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई चैम्प।